हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मूंगफली की चटनी। ये देखिए, मैंने एक कटोरी भुनी हुई मूंगफली ली है और ये मैंने आधा कटोरी चने लिए हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। ये 2 चम्मच मैंने नींबू का रस लिया है। ये थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, 4 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच सफ़ेद नमक, आधा चम्मच काला नमक और 1 चुटकी हींग। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मैं इन सबको एक ग्राइंडिंग जार में पीस लूँगी। आप हरी मिर्च की जगह सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, आपको जैसा भी पसंद हो। मुझे थोड़ा तीखा पसंद है तो मैं इसमें हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ, आप अपने अनुसार थोड़ी कम भी डाल सकते हैं। नींबू के रस की जगह आप इमली का पानी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ। आप पीसते समय अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी और डाल सकते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा करके एक साथ नहीं डालेंगे। देखिए, हमारी चटनी बनके तैयार है। मैं अब इसको एक कटोरे में निकाल लूँगी। अगर आपको थोड़ी पतली पसंद है तो आप इसे पानी डाल के थोड़ा पतला भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। देखिए, हमारी चटनी बनके तैयार हो गई। मैं इसके लिए तड़का तैयार करूँगी। ये देखिए, मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है इसमें। ये 2 सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ, इसको अच्छे से भून लेंगे। मैं इसमें 1 चम्मच राई डालूँगी, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितना अच्छा कलर आया है इसका। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये उत्पम, डोसा, बड़ा, इन सबके साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।